आप जैसा देख रहे हैं मौसम को देखिए, इतनी गर्मी है कि हर चीज में स्वयं भी आग लग जाता है, और ऐसी स्थिति में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही किसी के द्वारा बढ़ती जाती है तो वो आग जो है कि धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लेता है। अभी तक जो हम लोग के पास सूचना है किसी प्रकार का कोई किसी की जीवन की क्षति नहीं है, जो सामान होंगे लोगों के घरों में जरूर उनका नुकसान हुआ है। गर्मी के मौसम में आग से कैसे बचें और क्या करें क्या नहीं करें, इसका हम लोग जो है कि जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अभी तक तो कोई स्पष्ट कारण नहीं पता चला है, लेकिन हो सकता है कि कोई चूल्हा की वजह से शुरू में आग लग गया होगा, उसके बाद सिलेंडर फटने की वजह से वो आग बढ़ गई है। राजधानी पटना में पाल होटल के बाद आज फिर से एक बार दूसरी बार राजधानी पटना में भीषण आग लग चुकी है। आज ही हम आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हम राजधानी पटना के बुद्ध घाट पे मौजूद है और थोड़े ही देर पहले बुद्ध घाट पे भयंकर आग लगी की घटना को लगी है, जिस पर दर्जनों गाड़ियां फायर ब्रिगेड की यहां पर मौजूद है और आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तरीके से देख सकते हैं कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं और कर्मचारी हैं पूरी तरीके से आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। आपको बताते चले कि राजधानी पटना में दूसरी बार ऐसी घटना को अगलगी की घटना को हुई है और फायर ब्रिगेड की जितने भी दर्जनों गाड़ियां हैं आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यही वो घर है जो कि पूरी तरीके से जल करके राख हो चुके हैं। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं उन्हें तस्वीरों के माध्यम से साफ तरीके से देख सकते हैं कि जो आग लगी है बुद्ध घाट पर उन्हें बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर सिलेंडर भी ब्लास्ट किया था। आप जैसा देख रहे हैं मौसम को देखिए, इतनी गर्मी है कि हर चीज में स्वयं भी आग लग जाता है, और ऐसी स्थिति में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही किसी के द्वारा बढ़ती जाती है तो वो आग जो है कि धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लेता है। हम लोग इसीलिए अपना जन जागरूकता भी करा रहे हैं, हर गली में मोहल्ले में स्कूल में कॉलेजों में पूरे गांव-गांव तक हम लोग जन जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं ताकि लोगों को सचेत किया जा सके इस गर्मी के मौसम में आग से कैसे बचें और क्या करें क्या नहीं करें, इसका हम लोग जो है कि जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कोई घायल है, क्या स्थिति? देखिए अभी हम लोग आग को बुझा रहे हैं, जैसे अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि इसमें कोई घायल है या कोई ऐसा बात है, लेकिन फिर भी हम लोग हर पहलू पर जांच कर रहे हैं और अगर ऐसी बात होगी तो हमारे देख रहे हैं रेस्क्यू की टीम हमारे एम्बुलेंस सभी पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। गैस भी कुछ ब्लास्ट हुए हैं क्या? ऐसी सूचना मिली है कि गैस से भरे हुए सिलेंडर भी ब्लास्ट की आवाज़ आई है, इसे लोग यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया है। हम लोग आगे जब आग बुझ जाएगा जब हम लोग उसमें प्रवेश करेंगे तो जो भी स्थिति होगा हम लोग बताएंगे। एग्जैक्टली क्या रीज़न है वो हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन ये है कि तुरंत ही जो फायर की गाड़ियां हैं वो सब आ गई हैं, तो अभी तक जो हम लोग के पास सूचना है किसी प्रकार का कोई किसी की जीवन की क्षति नहीं है, जो सामान होंगे लोगों के घरों में जरूर उनका नुकसान हुआ है, और जो फायर की गाड़ियां हैं वो लगातार यहाँ जो है अपनी काम कर रही हैं और जो ट्रैफिक के लोग हैं वो भी लगे हुए हैं, तो अभी सब जो आग लगी थी वो नियंत्रण में है हम लोग की, लगभग बुझने की स्थिति में है और नहीं फैले इसके लिए भी हम लोगों ने उपाय कर रखा है, तो अभी जो है पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। फायर डिपार्टमेंट के जो भी पदाधिकारी है कर्मी है उनके द्वारा उसकी जांच की जा रही है, अभी तक तो कोई स्पष्ट कारण नहीं पता चला है, लेकिन हो सकता है कि कोई चूल्हा की वजह से शुरू में आग लग गया होगा, उसके बाद सिलेंडर फटने की वजह से वो आग बढ़ गई है। कोई कैजुअलिटी नहीं है, पूरा चेक हुआ है, एक आदमी का थोड़ा सा यहाँ पर आग लगने की वजह से इंजरी हुई है, उसको हम लोगों ने अस्पताल भेज दिया है, कंट्रोल कर लिया है, अभी लास्ट जो फेज रहता है कूलिंग डाउन का वो चल रहा है। लगभग 50 गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है इसमें, 50 गाड़ियों के द्वारा पानी लाकर उसमें बुझाने की कोशिश, अभी उसकी भी जाँच की जा रही है। सिलेंडर फटने की वजह से वो तो अभी कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन शुरू में आग लगने के बाद फिर सिलेंडर फट गया है। आपको बताते चले कि हमने तस्वीरों के माध्यम से आपको साफ तरीके से दिखाया कि कई सिलेंडर ब्लास्ट कर चुके हैं। आप तस्वीरों में सामने देख सकते हैं कि अंदर झुकी झोपड़ियों में से प्रशासन के द्वारा अग्निशमन के द्वारा कर्मियों के द्वारा सिलेंडर को निकाला जा रहा है और कई सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गए हैं। हालांकि अभी भी प्रशासन पूरी तरीके से और अग्निशमन की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने में कड़ी मुशक्कत कर रहे हैं। आग पर काफी भयानक रूप ले चुकी है और दमकल की कई गाड़ियां लगातार आते हुए तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार
दमकल की दर्जनों गाड़ियां यहां पर आ रही हैं और तुरंत के तुरंत ही पानी खत्म होने के बाद जा रही हैं और फिर से दमकल की गाड़ियां पानी भर करके यहां पर आ रही हैं। मौके पर पटना SSP राजीव मिश्रा, सेंट्रल SP और कई भी आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने के लिए पूरी तरीके से कड़ी मुशक्कत कर रहे हैं। आपको बताते चले कि राजधानी में कुछ दिन पहले ही पटना जंक्शन के समीप होटल पाल में भयंकर आग लगी थी, जिसमें कि 8 लोगों की अभी तक जान चली गई है। आपको बताते चले कि राजधानी पटना का यह बुद्धा कॉलोनी का क्षेत्र है, बुद्ध घाट है, जहां पर की भयानक स्थिति लगी हुई आग की लगी हुई है और अग्निशमन की दर्जनों गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं और जितने भी वहां पर झुग्गी झोपड़ियां थी जल करके राख हो गई हैं। आगे भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको तस्वीरें बयां करते हुए दिखाते हुए नजर आएंगे। तो हम ऐसे ही खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।